राष्ट्र के प्रहरी भी, राष्ट्र निर्माण के भागीदार भी। रग रग में दौड़ता जिसके देश प्रेम का जज्बा भी, प्रबल शक्तिशाली और तत्पर, वो भारतीय सेना अब है परिवर्तन के पथ पर। भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए एक युवा, आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम, शक्तिशाली और तत्पर सेना के रूप में परिवर्तित हो रही है। इस लक्ष्य को स्वरूप दे रहे हैं भारतीय सेना के परिवर्तन के 5 स्तंभ। नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया से टेक्नोलॉजिकली सक्षम होती सेना आज बन रही है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। सेना ने ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन को तेजी से अपनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग और ऑटोमेटेड अग्निवीर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कदमों द्वारा सेना के सिस्टम्स और प्रोसेसेस में आ रहा है बदलाव। बदलते समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सेना में हो रहे हैं उपयोगी पुनर्गठन, जो भारतीय सेना को एक एजाइल, मॉड्यूलर और अनुकूल संगठन में परिवर्तित कर रहे हैं। बदलते समय और युद्ध के तरीकों में बदलाव के साथ सेना ने भी बदली है अपनी रणनीतियां और प्रशिक्षण के तरीके। साइबर इंफॉर्मेशन और ग्रे जोन वॉरफेयर इत्यादि के साथ साथ सेना मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए तैयार हो रही है। दुनिया के हर कोने से मित्र देशों के साथ बढ़ती जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और यूएन पीस कीपिंग में भागीदारी हमारी सेना के विश्व शांति में बढ़ते योगदान को दर्शाती है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास और संचालन भारतीय सशस्त्र सेनाओं को प्रबलता दे रहे हैं। समन्वय से हो रहा है सशक्तिकरण। भारतीय सेना देश की विभिन्न सुरक्षा एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर किसी भी संकट का सामना करने के लिए सक्षम और प्रभावी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न केवल सुदूर क्षेत्रों में सेना की मौजूदगी को सशक्त बना रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों को मुख्य भूमि से भी जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर से इस प्रगति को मिल रही है अतिरिक्त गति। सेना के अंदरूनी निर्माण कार्य भी अब और आधुनिक और प्रभावशाली बन रहे हैं। बड़े पैमाने पर वनीकरण, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, छावनियों में ईवी चार्जिंग का प्रयोजन जैसे प्रयासों द्वारा क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। मानव संसाधन के क्षेत्र में हुई एक ऐतिहासिक पहल है अग्निपथ। हर प्रांत से युवा, उत्साही और योग्य अग्निवीर देश के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये युवा अग्निवीर देश की रक्षा में ही नहीं, बल्कि सही कौशल पाकर राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण में भी अपना योगदान देंगे। उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सेना और सरकार द्वारा किए गए हैं बहुत से प्रावधान।
देश की उन्नति एक पंख से उड़ान भरने पर नहीं हो सकती है। भारतीय सेना नारी सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। सेना में बढ़ती महिला भागीदारी इसका प्रमाण है। वर्ष 2022 के लिए अविनाश मुकुंद साबले को, प्रवीण को, अमित को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सिर्फ रण क्षेत्र में ही नहीं, स्पोर्ट्स और एडवेंचर में भी भारतीय सेना की अभूतपूर्व सफलता देश को एक नए मुकाम पर पहुंचा रही है। ये है भारतीय सेना, जो समय और समीकरण के परिवर्तन के साथ देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध, प्रबल और परिवर्तनशील है।